हेडर में काम करेंगे, उनके मातहत रहेंगे, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं किसी अन्य के अंदर में काम करता हूँ, अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई लोग नहीं कहते हैं मजदूरी अपने घर की ज्यादा अच्छी होती है, तो भाई मैं किसी न किसी के अंडर में काम करता ही हूँ, उनके अंडर में काम करना तो और अच्छा है, मुझे तो अंडर में काम करना ही है। कभी सोचा था बेटा इतना आगे बढ़ेगा और ऐसी स्थिति? जब वो आईपीएस हो गया, पहले तो नहीं सोचा था कि कुछ बनेगा, क्योंकि वो इतना गौर नहीं करता था इंटर से कोई पढ़ाई नहीं। लेकिन जब वो आईपीएस हो गया तो हमें निश्चित श्योर हो गया कोई कोई ऐसा दिन आएगा कि हम उनके अंडर में काम करेंगे। तो अभी हाँ, फील्ड में अगर मैं किसी अन्य अधिकारी को सलूट कर सकता हूँ तो उनको क्यों नहीं करूँगा, तो बिल्कुल करूँगा। लखनऊ के बारे में बताएंगे क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो लखनऊ में नए हैं और आप पहले से कार्यरत हैं। वो खूब जानते हैं लखनऊ के बारे में, यहीं के रहने वाले, बस्ती हमारा घर है, कोई अदर प्रांत के तो है नहीं, और यहीं आना जाना रहना उन्नाव में थे ही। अगर हमसे कुछ पूछेंगे, अगर हमसे जो हो सकेगा बताएंगे। देखिए, इस चीज में, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध क्या है, और व्यक्तिगत संबंध और प्रोफेशनल संबंध में जो वहाँ की अपेक्षा है वो वहाँ निभाई जाएगी, और प्रोफेशनल संबंध में मुझसे एज इस पोस्ट पे रहते हुए जो उम्मीद की जाती है उसको मैं पूरी तत्परता से करूँगा, और कहीं भी इस चीज़ में ये आड़े नहीं आएगा कि हम दोनों का व्यक्तिगत संबंध क्या। आपका सामना होगा पिता पुत्र का, क्या कुछ भावनाएं भी उफान पर आएंगी? देखिए, लखनऊ से उन्नाव से मैं लखनऊ में जब बाहर ड्यूटी आता था तो ऐसा पहले भी हुआ है कि जब यहाँ पे कोई वीआईपी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेरी लगती थी तो हम लोगों का आमना सामना होता रहता था, और इस बार भी होगा। तो निश्चित रूप से जो भी है ये एक बेहतर और सुखद चीज़ है, लेकिन बावजूद इसके कि हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए अपना अपना काम करेंगे।